का इंतजार कर रही हूँ। समाज सेवा और चिकित्सा जगत से जुड़े शहर के जाने माने गुप्ता दंपत्ति की बगिया में 8 साल बाद ब्रह्म कमल खिला है। माता मढ़िया के पास निवासरत डॉक्टर वंदना गुप्ता और डॉक्टर रामनुज गुप्ता के घर की छत पर बनी औषधिया पौधों से परिपूर्ण बगिया में सोमवार रात खूबसूरत आकार लिए ब्रह्म कमल खिल उठा। इसको लेकर परिवार में हर्ष का माहौल है। कहते हैं कि किसी भी घर में ब्रह्म कमल का खिलना व दर्शन करना दोनों शुभ होते हैं। यह अत्यंत सुंदर चमकते सितारे जैसा आकार लिए मादक सुगंध वाला पुष्प है। ब्रह्म कमल को हिमालयी फूलों का सम्राट भी कहा गया है। यह कमल आधी रात के बाद खिलता है, इसलिए इसे खिलते देखना स्वप्न समान है। एक विश्वास है कि अगर इसे खिलते समय देखकर कोई कामना की जाए तो अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। ब्रह्म कमल के पौधों में 1 साल में केवल एक बार ही फूल आता है, जो कि सिर्फ रात्रि में ही खिलता है। शहर की समाज सेवी डॉक्टर वंदना गुप्ता के घर की छत पर बनी बगिया में 8 साल बाद यह ब्रह्म कमल खिला है। इसका नजारा अद्भुत था। परिवार के लोग इस ब्रह्म कमल को निहारते रहे जब तक कि यह पूरी तरह खिल नहीं गया। ये ब्रह्म कमल सबसे बड़ी चीज है कि आपको किसी भी पूरे भारत के या विश्व के किसी भी आपको नर्सरी में से प्राप्त नहीं होगा ये पौधा। और ये जो पौधा है इसमें कई वर्षों के बाद फूल लगने चालू होते हैं। तापमान का बहुत सेंसिटिव है तो इसमें फूल जल्दी उसके निकल नहीं पाते हैं, मगर हमारे यहाँ ये हम कहेंगे प्रकृति की ही हमारे ऊपर कृपा है कि जो भी पौधा लाके लगाते हैं सब उसी परिवार में मिल जाते हैं। उसी तरह ये पौधा भी यहाँ पे है और मैं आज से 14 साल पहले त्र्यंबकेश्वर से ये पौधा एक पत्ती लेके आई थी। पंडित जी का लगा हुआ था, वहाँ से एक पत्ती लाई थी और उसको हमने लगाया था। धीरे धीरे लग गया और 8 साल के बाद इसमें फूल खिलने की शुरुआत हुई। पहला फूल इसमें 2013 में खिला था और हम 4 मिला के हमने लगाया था इसको। तो इतना और फिर कभी इसमें जल्दी जल्दी भी फूल जैसे 2 बार आ गया। अभी कल भी एक फूल निकला था और पिछली अभी 27 तारीख को भी एक फूल निकला। ऐसे 3 फूल निकले इसमें और छोटी छोटी कलियाँ निकली थी, मगर ये जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एकदम तेजी से हो रही होगा उससे इसकी कलियाँ कई एक जल भी गई और बहुत ही खूबसूरत होता है। बहुत ही ब्रह्म कमल के बारे में देखिए आज तक चैनल ने भी बहुत बड़ा इसका वो दिया था। इसका सबसे बड़ी चीज़ है ये बाबा केदारनाथ को चढ़ता है और वहाँ और इसका मेडिसिनल यूज़ भी बहुत बड़ा है। बहुत रेयरेस्ट प्लांट है और बड़ी विशेष औषधि पौधे के रूप में भी है। तो ये उत्तराखंड का ये संरक्षित पौधा है तो इसको शासन की ओर से संरक्षण प्रदान है। दुर्लभता के इस गुण के कारण ब्रह्म कमल को शुभ माना जाता है। इस फूल की विशेषता यह है कि जब यह खिलता है तो इसमें ब्रह्म देव तथा त्रिशूल की आकृति बनकर उभर आती है। ब्रह्म कमल ना तो खरीदा जाता है ना ही इसे बेचा जाता है। इस पुष्प को देवताओं का प्रिय पुष्प माना जाता है और इसमें जादुई प्रभाव भी होता है। इस दुर्लभ पुष्प की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। हिमालय में खिलने वाला यह पुष्प देवताओं की आशीर्वाद शरीफा है। यह पुष्प साल में एक ही बार जुलाई सितंबर के बीच खिलता है और एक ही रात रहता है। इसका खिलना देर रात आरंभ होता है तथा 10 से 11 बजे तक यह पूरा खिल जाता है। मध्य रात्रि से इसका बंद होना शुरू हो जाता है और सुबह तक यह मुरझा चुका होता है। इसकी सुगंध प्रिय होती है और इसकी पंखुड़ियों से टपका जल अमृत समान होता है। भाग्यशाली व्यक्ति ही इसे खिलते हुए देखते हैं और यह उन्हें सुख समृद्धि से भर देता है। ब्रह्म कमल का खिलना एक अनोखी घटना है। यह अकेला ऐसा कमल है जो रात में खिलता है और सुबह होते ही मुरझा जाता है। सुगंध आकार और रंग में यह अद्भुत है। भाग्योदय की सूचना देने वाला यह पुष्प पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना गया है। एसजीएन न्यूज के लिए निखिल साहू के साथ सरसी श्रीवास्तव की रिपोर्ट।